नमस्कार। माछ चाष पई पोखरी पानीर पीएच 7-9 रहिबा उचित, किंतु पोखरी पानीर पीएच सकाळ समय सबुठ कम एवं संध्या समय सबुठ अधिका थाए। जदि पोखरी पानीर पीएच ठीक परिसर माने 7-9 भितर रुहे, किंतु सकाळ आ संध्यार पीएच रो फरक 0.5 रु अधिका रुहे, एहा माछ चाष पई उपयोगी होइनथाए। कारण पीएच रो फरक बा फ्लक्चुएशन बा दोळायमान अधिका हेले माछ या को सही पारे नी, फलरे चापरे रुहंती, तेणु माछ बढ़ती नी, माछ को रोग हुए। तेबे पोखरी पानी पीएच रो ए दोळायमान बा फ्लक्चुएशन बा भेरिएशन को पानी रो बफर कमे थाए। आ पानी को साधारणतः पानी रो क्षारत्व बा अल्कलाइनिटी बफर करथाए। ए अल्कलाइनिटी बा क्षारत्व कौन, यह माछ चाष पई पोखरी पानी रे केते रहिबा उचित, यहाँ किपर कम बेसी करवा सब जिनस जानवा पूर्व चैनल टी सब्सक्राइब करनी, वीडियो टी पूरा देखु, जदि भल लगे लाइक करूँ, शेयर करूँ और कमेंट दिंतु। पोखरी पानी से क्षार अंश बा बेस जपरिक आपणकर बाइकार्बोनेट और कार्बोनेट आयन द्रवण सांद्रता को क्षारत्व बा अल्कलाइनिटी कहा जाए। से पोखरी पानी से समस्त बेस क्षार अंश जपरिक कार्बोनेट बाइकार्बोनेट हाइड्रोक्साइड बोरेट आयन द्रवण सांद्रता को टोटल अल्कलाइनिटी बा समुदाय क्षारत्व कहा जाए। आउ अल्कलाइनिटी को पीपीएम इक्विवेलेंट टू कैल्शियम कार्बोनेट रे मापा जाए। पोखरी पानी रो क्षारत्व बा अल्कलाइनिटी जत्ते बढ़िबो पानी रो स्वाद सेते क्षारीय हबो, पानी सेते बफर हबो, फळरे पानी रो पीएच रो फ्लक्चुएशन बा वेरिएशन बा दोळायमान सेते कम हबो। तबे माछ चाष पई पोखरी पानी रे केते क्षारत्व रहिबा उचित, जदि पोखरी पानी रो क्षारत्व 20 पीपीएम रो कम रुहे तबे एहा अति कम एवं एहा माछ चाष पई अनुकूल नुहे। एही क्षारत्व रे साधारणतः पीएच पोखरी अस्थिर रुहे एवं यह सकाळ संध्यारे 6-10 मध्यरे फ्लक्चुएसन भेरिएसन दोळायमान हुए। यही क्षारत्व में कौन सार गोबर काम दिए ना, किसी रासायनिक पदार्थ जपरी कॉपर सल्फेट अत्यधिक विषाक्त हो जाए, माछगुड़िक चापर रुहति, रोगग्रस्त हूँ और मृत्युवरण करतीपरि 20-50 पीपीएम अल्कलाइनिटी माछ चाष कम मात्रा धरवा और यह माछ चाष अनुकूल नुहे। यही क्षारत्व में पोखरी पानी रो पीएच अस्थिर रुहे, माछ ऊपर खराब प्रभाव पड़े, माछर वृद्धि हुए ना। तबे पोखरी पानी रो क्षारत्व 50-150 पीपीएम रहिले एहा मध्यम धरणर एवं एहा माछ चाष पई अत्यधिक अनुकूल अटे। साधारणतः माछ चाषर जाळ बा छोट माछ चाष पई पानी रो क्षारत्व 50-80 पीपीएम रहिले बहुत भलो एवं बड़ माछ चाष पई पानी रो क्षारत्व 150 पीपीएम पाखापाखि रहिले भलो। साधारणतः पानी रो अल्कलाइनिटी बा क्षारत्व 50-150 पीपीएम मध्यरे रहिले एहा पोखरी पानी रो पीएच को बेसी वेरिएशन बा फ्लक्चुएशन करिनथाय। साधारणतः एही क्षारत्व परिसर रे गोबर सार गुड़िक बहुत भलो काम दिए एवं एथिरु अधिक पोषक पोखरी पानी को मिलिथाय, फळरे भलो प्लांकटन पोखरे सृष्टि हुए एवं एही प्लांकटन रो सांद्रता बहुत दिन पर्यंत बजाय रहे। 50-150 पीपीएम मध्यरे क्षारत्व रे माछर भल अश्म रेगुलेसन हुए, माछर भल वृद्धि हुए एवं भल प्रजनन हुए एवं पोखरी में भल अंगारकाम्ल बजाय रुहे। तेज पोखरी पानी क्षारत्व जदि 150-300 पीपीएम मध्य रुहे, यहाँ आम पोखरी पानी अधिका क्षारत्व अच्छी धरनेवा। साधारणतः पोखरी पानी अल्कलाइनिटी क्षारत्व 200 पीपीएम पर्यंत गले माछ चाषर कौन असुविधा करनथाय। 200 पीपीएम पाखापाखि अल्कलाइनिटी पोखरी पानी रे अंगारकाम्ल बा कार्बन डाइऑक्साइड मध्ये भल रुहे, किंतु 200 पीपीएम परे माछरे साधारणतः ऑस्मोसिस रे समस्या आसी थाए। सेपरि पोखरी पानी रे जदि क्षारत्व बा अल्कलाइनिटी 300 पीपीएम ऊपर रुहे, यहाँ को आम अत्यधिक क्षारत्व बोली कहिबा एवं यह माछ चाष पे प्रतिकूल अटे। यही अल्कलाइनिटी रे पोखरी पानी रे पीएच साधारणतः स्थिर हो जाए, कौन सार गोबर काम दिए ना, माछ माने चापर रुहंती, रोगाक्रांत हुंती एवं मृत्युवरण करती। आउ यही अल्कलाइनिटी रे माछ मानकर वृद्धि हुए ना बा प्रजनन मध्य हुए ना। आउ यही क्षारत्व रे पोखरी पानी रे फास्फोरस रे उपलब्धता पूरा कमी जाए, फळरे पोखरी पानी रे भलो प्लांकटन मध्य हुए ना। तबे आमे पोखरी पानी रे जदि अल्कलाइनिटी कम थाए तबे ताकु किपरि बढ़ाइबा। साधारणतः पोखरी पानी रे माछ चाषर प्रकार को नै आमे क्षारत्व को 50-150 पीपीएम पाखापाखि रखिबा उचित। साधारणतः पोखरी पानी रे क्षारत्व को कार्बोनेट बढ़ाइथाए, तेणुक कार्बोनेट थिबा कोनोसी रासायनिक पदार्थ को जेपरि कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम मैग्नीशियम कार्बोनेट बा डोलोमाइट, सोडियम बाइकार्बोनेट बा खाइबा सोडा, सिप चून
ओएस्टर पाउडर इत्यादि आम यदि व्यवहार करवा तेज पोखर पानी आलकाइन क्षारत्व बढ़ी थाए तेज कैल्शियम कार्बोनेट डोलोमाइट व सीप चून साधारण पोखरी पानी क्षारत्व को बढ़ावा सहित पोखरी पानी हार्डनेस को बढ़ी थाए कि सोडियम बाइकार्बोनेट खाइबा सोडा बेकिंग सोडा पोखरी पानी केवल क्षारत्व को बढ़ी थाए हार्डनेस को बढ़ी न था तेज आम कैल्शियम कार्बोनेट आलकाइन को केते बढ़ेगा तार एक सूत्र अच्छे साधारणत आमको पोखरी पानी क्षारत्व पीपीएम जी दरकार आ बर्तमान पोखरी पानी क्षारत्व पीपीएम जिते अच्छी तार फरक जदि दस गुणवा जीक आसवी के जी पर हेक्टर आमको कैल्शियम कार्बोनेट चून दरकार तेज जी कैल्शियम कार्बोनेट हिसाब से आसवी कैल्शियम कार्बोनेट चून को आम पोखरी एकाथर व्यवहार करवा उचित नुहे कहीं फल पोखरी पानी क्षारत्व एवं पीएच हठात बढ़ीज फल मूड़ चापग्रस्त हो तेणुक जी कैल्शियम कार्बोनेट चूनर परिमाण आसो आम थरक 40 केजी पर एकर हिसाब से व्यवहार करवा और भाग भाग कर व्यवहार करवा से पोखरी पानी जी क्षारत्व अधिका ताकूम किपर कमेवा पोखरी पानी क्षारत्व जो अधिका जपरिक 200-300 पीपीएम थाए तेब आम अन्य उत्सर जो पानी आलकाइन कम थाए व्यवहार कर आलकाइन कमे पार कि पोखरी पानी को एरिएसन कर पोखरी क्षारत्व को कमे पार तेज सबुठ सुविधा उपाय है पोखरी पानी आम फिटिकिरी आलम व्यवहार कर आलकाइन क्षारत्व को कमे पार तेज केते आलम फिटिकिरी व्यवहार करवा तार एक सूत्र आम व्यवहार करवा साधारणत पोखरी पानी क्षारत्व पीपीएम जिते अच्छी पोखरी पानी क्षारत्व आमको पीपीएम जी दरकार तार फरक 15 गुणीदे जहाँ आसवी के जी आलम फिटिकिरी पर हेक्टर को आमको दरकार तेज जी फिटिकिरी आलम्र परिमाण आसमें पोखरी पानी एकाथर व्यवहार केवेहेलेवा ना कारण यह फल क्षारत्व और पीएच हठात कमिजी मछगुड़ चापग्रस्त हो जी फिटिकिरी परिमाण आसो आम थरक एकर 20 केजी व्यवहार करवा जी फिटिकिरी आसो ताको भाग भाग कर व्यवहार करवा साधारणतः फिटिकिरी को आम बस्तार पूरे गुंड कर गरम पानी गोल से गरम पा थंडा होगापर से फिटिकिरी को आम पोखर चारिड़े पकेबा कि थरक 20 केजी फिटिकिरी को आम 4 बस्तार भाग कर पोखर चारिकोण से बांधिदे पोखरी पानी आलकाइन कम हुए तेज यही क्षारत्व पोखरी पानी को किपर बफर बा पीएच दोलाय मान को कमे थाए से विषय टी आलोचना करवा साधारणतः पोखरी पानी वायुमंडल जलजीवर निश्वास प्रश्वास आसुवा अंगारकाम सहित रिएक्शन कर कार्बोनिक एसिड बा H2CO3 उत्पादन करे ये H2CO3 साधारण H+ आयन एवं HCO3 बाइकार्बोनेट आयन में भांगी जाए H+ आयन अम्लीय होता बेले HCO3 बाइकार्बोनेट आयन क्षारीय होता है यदि पोखरी समान परिमाण H+ आयन एवं बाइकार्बोनेट सृष्टि हुए एम मिश्रण में जो पीएच सृष्टि हुए से पीएच हूँ 6.1 फल पोखरी पा अम्लीय हो रुए जेहेतु बाइकार्बोनेट हूँ क्षारीय तेज बाइकार्बोनेट को बढ़ेले पोखरी पानी पीएच बढ़ो बाइकार्बोनेट आयन को बढ़ाया कले आमको पोखरी में कैल्शियम कार्बोनेट चून व्यवहार करने पड़ो कैल्शियम कार्बोनेट चून साधारणतः कैल्शियम आयन और कार्बोनेट आयन में परिणत हो जाए यदि पोखरी पानी अधिका अम्लीय हुए H+ आयन अधिका उत्पादन हुए तेज यही कार्बोनेट आयन H+ आयन सहित रिएक्शन कर बाइकार्बोनेट उत्पादन कै जहाँ पोखरी पानी को क्षारीय कै जदि पोखरी पानी अधिका क्षारीय हुए माने OH आयन अधिका हुए यही OH आयन कार्बोनेट आयन सहित रिएक्शन कर बाइकार्बोनेट पुणी परिणत हुए फल पोखरी पानी क्षारीय हुए तेणुक जदि पोखरी पानी अम्लीय अधिका हुए ताने H+ आयन जब अधिका हुए किंबा पोखरी पानी जब अधिका क्षारीय हुए ताने जब OH- अधिका हुए तेज यही कार्बोनेट चून एम सहित रिएक्शन कर बाइकार्बोनेट उत्पादन हुए बाइकार्बोनेट साधारणतः पोखरी पानी पीएच को 4.5-8.3 पर्यंत रखी थाए आई बाइकार्बोनेट जो जो बफरिंग सिस्टम सृष्टि हुए आम बाइकार्बोनेट बफरिंग सिस्टम बा टेम्पोरारी आलकाइनिटी आम कही था तेज जी कैल्शियम कार्बोनेट दरकार होता अधिका कैल्शियम कार्बोनेट चून पकेबा तेज यही कैल्शियम कार्बोनेट कार्बोनेट आयन आउ पानी मिलाए ना ता कठिन अवस्था तल को पलाए और पीएच 8.3 ऊपर को पलाए ताको आम परमानेंट आलकाइन बा कार्बोनेट बफरिंग सिस्टम कही था आउ ये कार्बोनेट आयन पोखरी पानी कठिन अवस्था तले रुए जार उपकार अपकार परमानेंट आलकाइन कार्बोनेट आयन अधिका हो गले पोखरी पानी फॉस्फोरस मिले ना फल प्लांकटन
कम उत्पादन हुए। तेणुक पोखरी पानी रे आमे सेतिकी कैल्शियम कार्बोनेट चून व्यवहार करिबा जहाँफल पोखरी पानी रे टेम्पोररी बाइकार्बोनेट बफरिंग सिस्टम पीएच 8.3 रहिबा उचित। धन्यवाद, नमस्कार।